एंड यू आर गोइंग टू सी द बेस्ट ऑफ प्रयागराज राइट नाउ, माघ मेला 2021. नमस्ते शास्त्रीय काल, मेरा नाम है करण एंड यू आर वॉचिंग द कपूरू व्लॉग्स. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो इस समय हम लोग हैं संगम घाट पे. सो यू आर गोइंग टू सी द बेस्ट ऑफ प्रयागराज दिस टाइम. आपने काफ़ी सारे मेरे व्लॉग्स देखे होंगे बट दिस टाइम इट्स समथिंग जिसकी वजह से मेरा शहर प्रयागराज जाना जाता है पूरी दुनिया भर में. तो चलते हैं अब आगे संगम की ओर और दिखाते हैं आपको तीर्थों के राजा प्रयागराज का अद्भुत माघ मेला. माघ मेला, द फेयर फॉर विच नॉट हंड्रेड्स नॉर थाउजेंड बट मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एंड एंडिंग इन मार्च, दिस इज द टाइम व्हेन त्रिवेणी संगम एरिया इज इन इट्स बेस्ट फॉर्म. गंगा आरती से लेकर छोटी दुकानों तक, नाव से लेकर साइबेरियन चिड़ियों तक, लेटे वाले हनुमान जी से लेकर बांध वाले पुल तक, और ना जाने क्या क्या सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है इस समय. वो आपने सुना होगा ना, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा. तो एक चीज़ और सुन लीजिए आज, प्रयागराज नहीं देखा तो क्या खाक यूपी देखा. आई होप कि आपको इस व्लॉग में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा. मैंने प्रयागराज की बहुत सारी जगह आपको एक्सप्लोर करवाई हैं बट नाउ इट इज़ द टाइम टू शो यू द बेस्ट ऑफ प्रयागराज विच इज़ माघ मेला और द कुंभ मेला. इस बार कुंभ मेला नहीं है, इस बार माघ मेला है. बट तैयारियाँ बहुत ज़्यादा इमेंस हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है लिटरली. एंड आई विल शो यू दिस प्लेस, दिस फेस्टिवल इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो इफ़ पॉसिबल, लाइक अगर आपको मज़ा आ रहा है ये वीडियोस देखने में तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज आई विल ब्रिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट रेगुलरली एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोज. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ मिस किया अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे हो. तो लाइक यू कैन सी ऑल दिस, काफ़ी बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ के. टेंट्स वेंट्स भी प्रॉपर लग चुके हैं क्योंकि बहुत जल्दी 14 जनवरी आने वाला है, मकर संक्रांति, और बहुत जल्दी सब कुछ चालू होने वाला है. सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल शो यू दिस प्लेस. सो दिस वीडियो इज नॉट शॉर्ट इन अ डे और टू, सो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसे क्लिप्स हैं जो कि माघ मेला के स्टार्टिंग से ही है, लाइक नवंबर दिसंबर की भी बहुत सारी क्लिप्स हैं. सो आई डोंट वॉन्ट कि आप उन किसी को भी मिस करें एंड इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड.
14 जनवरी 2021 को पहला स्नान है यहाँ पे, जो कि मकर संक्रांति का स्नान होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्नान होता है, और वहीं से शुरुआत होती है माघ मेले की या फिर कुंभ मेले की। और इस बार तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हैं, न्यूज़ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी तैयारियाँ नहीं होनी थी इस बार, बट मेरे ख्याल से जैसा यहाँ दिख रहा है काफ़ी बेहतरीन तैयारियाँ हमेशा के जैसे। इस बार भी यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हैं। जो खूबसूरत सफ़ेद चिड़ियाँ आपको आसमान में उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये हर समय प्रयागराज में नहीं रहती हैं। ये हर साल विंटर्स में माइग्रेट करके आती हैं, और इनको साइबेरियन गर्ल्स या फिर साइबेरियन बर्ड्स बोलते हैं। इनको देखना, इनको चने चावल कुछ भी खिलाना, सेव खिलाना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। ये आपके हाथ से भी खा के जाती हैं, बट यू नीड सम पेशेंस फॉर दैट। बट माई पॉइंट इज़ कि अगर आप इनको खिला रहे हैं सेव वो कुछ भी, तो वो पैकेट में मिलता है या फिर अखबार में मिलता है। सो प्लीज़ डू ट्राई एंड थ्रो दैट इन द डस्टबिन। अभी हम लोग झूसी वाले मार्ग में हैं, अभी हम लोग संगम में नहीं है। संगम मेरे पीछे वो वहाँ पे है, और हम लोग पुल को क्रॉस करके आए हैं, और ये एक टेम्परेरी पुल है, ये यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहता है। माघ मेला जनवरी में स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है, बट ये पुल की और इन सब की तैयारियां नवंबर से ऑलमोस्ट चालू हो जाती हैं। इस बार थोड़ी लेट चालू हुई बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, बट तैयारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं काफ़ी दिनों से संगम आया भी नहीं था, बट अब जब आया हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर डेली आऊँगा, बिकॉज इससे अच्छी जगह इस पीरियड में कुछ भी नहीं है। द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, इसको कहते हैं बांध का पुल या फिर पीपा का पुल, और इसको पानी का बहाव रोक के बनाया जाता है। ये हमेशा नहीं रहता है, इसको टेम्परेरली बनाते हैं, और ये सिर्फ लाइक अक्टूबर नवंबर से बनना चालू होता है, और फिर माघ मेला जब जनवरी टू मार्च चलता है उसके बाद ये अप्रैल मई तक लगा रहता है, लाइक फिर हटने लगता है। और इस बार माघ मेले में बहुत ज़्यादा पुल नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ 5
ऐसे पुल बनाए गए हैं जो कि माघ मेले के पूरे एरिया को हर तरफ से कवर करता है। लाइक अगर कोई भी किसी भी एरिया से आता है शहर के, तो उसको इजी कनेक्टिविटी मिले और ज़्यादा भीड़ लाइक एक जगह पे इकट्ठा ना हो, इसलिए इसको बनाया जाता है, जिससे लोग शहर के एक तरफ से दूसरे तरफ तक इजीली जा सकें। एंड काफ़ी बढ़िया सीन्स रहते हैं इसको, काफ़ी बनाने में मेहनत भी लगती होगी इन लोग को, पानी का बहाव वहाव रोक के बनाया जाता है इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक इजी है, काफ़ी सही है, मतलब हिलता विलता नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, एंड इट्स वेरी गुड। सो लेट्स सी समथिंग मोर। हिंदू माइथोलॉजी में जो लोग बिलीव करते हैं कुंभ में, माघ मेले में ज़रूर आते हैं वो लोग, भले ही वो इंडिया के हों या फॉरनर्स हो। एंड अ लॉट ऑफ फॉरनर्स कम टू दिस प्लेस, स्पेशली टू प्रयागराज, टू संगम एरिया, टू विटनेस दिस फेस्टिवल। दिस इज लाइक वेरी इमेंस। अगर आप वहाँ तक देखोगे, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देगा। और तैयारियाँ पूरी प्रॉपर चल रही हैं, इधर भी मशीनें चल रही हैं, इधर भी चल रही हैं। ये जो आपको नीचे प्लेट्स दिख रही है जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये नॉर्मली नहीं रहती हैं यहाँ पे, ये इसी टाइम पे लगती हैं जस्ट फॉर दिस फेस्टिवल, जस्ट फॉर द माघ मेला और द कुंभ मेला। और यहाँ पे सबके रहने वहने का इंतज़ाम कर दिया गया, जो साधु बाबा लोग होते हैं जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन सब जगहों पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वो सब स्पेशली आते हैं माघ मेले के लिए और काफ़ी बेहतरीन सीन्स बना देते हैं। आप अगर माघ मेले में संगम आते हैं तो आप संगम में काफ़ी सारे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कैमल राइड कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू ईट चना जोर गरम और चुरमुरा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट मिलता है। और साथ में सेव लेके साइबेरियन बर्ड्स को ज़रूर खिलाइएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। संगम कोई छोटा सा एरिया नहीं है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, सो ट्राई कि आप पूरा घूम लें। एंड आफ्टर दिस डू गिव अ विजिट टू द लेटे वाले हनुमान जी मंदिर, उनको बांध वाले हनुमान जी भी बोलते हैं। एंड एट द एंड, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में या किसी भी टाइम, डोंट फॉरगेट टू टेक अ बोट राइड टू द संगम, बिकॉज आप बोट से ही संगम में देख सकते हैं द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, होप यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस व्लॉग वेल। इस व्लॉग में मैंने माघ मेला की तैयारियाँ दिखाई हैं, एंड यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बिकॉज अभी मकर संक्रांति और बहुत सारे ऐसे पर्व आने वाले हैं, बसंत पंचमी जैसे, जिसके व्लॉग्स और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ मर्जी आए आपकी वहाँ शेयर कर दीजिए। But please do share this video. अगर आपको videos पसंद आ रही हैं तो you can also watch other videos on my channel. काफी सारी videos मैंने upload करी हैं अपने शहर प्रयागराज की और आसपास जगहों की. So yeah, go and have a look on them also. And thank you so much for watching this vlog. मिलते हैं एक अगले vlog में बहुत जल्द.